HDFC बैंक का लोन आप कैसे अपने मोबाइल में देख सकते हैं, वो भी घर बैठे, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। HDFC बैंक में अगर आपका लोन है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप घर बैठे इसे देख सकते हैं आपके लोन के बारे में। आपको प्ले स्टोर में जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ जो सर्च बार दिखाया पड़ रहा है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है LO, मैं जो लिखता हूँ देखिए बढ़िया से, LOANASSI, या फिर इतना सा लिखते ही देखिए ऊपर में ये आ जाएगा, देखिए लोन असिस्ट HDFC बैंक लोन्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लोन असिस्ट ये खुलते ही इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में पहले इंस्टॉल था पर मैं फिर से अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, तो फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करते ही ये कुछ ही समय वक्त लेगा इंस्टॉल होने में। और देखिए यहाँ पर हो चुका है इंस्टॉल। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जब इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है ये। अब मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके आपको फुल प्रूफ दिखा दूँगा कि ये कैसे होता है, और आपको पूरा जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि कैसे होता है लोन असिस्ट। ऐसे आने पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ये कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, जो आप लोन जब लिए थे आप तब जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर, मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है आपको। और नीचे यहाँ पर टिक कर देना है, यहाँ पर टिक करते ही कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, आपको यहाँ पर एग्री कर लेना है। और यहाँ पर आपको दे देना है अपना मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको दे देना है। मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, आप सबमिट पर क्लिक करते हैं मोबाइल नंबर देने के बाद, और इस यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। इधर से यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, कन्फर्म करते ही कुछ ऐसा आ जाएगा, आपको OTP आएगा आपके मोबाइल पर, तो आपको यहाँ पर आपका OTP एंटर करते ही दूसरा पेज में ले आएगा। देखिए जैसे मैं OTP यहाँ पर दे देता हूँ, OTP के बाद ये देखिए कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन पिन देना होता है, मतलब जब ऐप खोलेंगे तो एक जो पिन मांगता है वो पिन आपको यहाँ पर देना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन में होते हैं, जैसे कि आप अगर स्क्रीन को लॉक करें और उसके बाद अनलॉक करें तो लॉक जो होता है वो यहाँ पर वैसे देना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं एक दे देता हूँ और ये वाला दे देता हूँ, वो तो एग्जिस्ट नहीं करा, वो मैच नहीं हुआ, तो मैं ये एक नया पिन यहाँ पर दे देता हूँ बना के। आप भी अपने मन से कोई भी 6 डिजिट का पिन दे दीजिएगा, उसके बाद सबमिट यहाँ पर आपको कर देना है। सबमिट सबमिट करते ही आपको कुछ ऐसा आएगा। अब आपको ये देखिए ट्रैक योर लोन, बढ़िया से देखिए ट्रैक योर लोन, और ये ऑटोमेटिक आपका लोन पकड़ लेगा आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक है इसमें। तो देखिए मेरा ये लोन है और इस लोन पर आपको क्लिक करना है सिर्फ इस पर। उसके बाद आपका EMI कितना है, आप कितने महीने के लिए EMI है, कितने साल के लिए, टोटल अमाउंट कितना है, सब दिखा देगा यहाँ पर। और ट्रांजेक्शन भी दिखा देगा ऊपर में, मतलब कितने कितने भरे हैं आप लोन, तो वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर दिखा देता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो से आपका फ़ायदा होगा, और मुलाकात हुई आपसे अगली वीडियो में।